डिस्कशन करेंगे आज इश्यू ऑफ सीआरएस में ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, जब शेयर इशू करते हैं, कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो वो लोगों को इनवाइट करती है मार्केट में कि वो लोग आएं और कंपनी के शेयर खरीदें। ऐसा संभव हो सकता है कि कंपनी मान लीजिए केवल 4000 शेयर इशू करें, कंपनी की जो इच्छा है मान लो वो केवल 4000 शेयर बेचने की है। अब आम पब्लिक जो अप्लाई करेगी तो कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अगर कंपनी का इशू लोगों को अच्छा लगा, मार्केट का अच्छा रिएक्शन आया, तो 4000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ सकती हैं। हमारे पास 10000 एप्लीकेशन आ सकती हैं, हमारे पास 20000 एप्लीकेशन आ सकती हैं। 4000 से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आती हैं तो इसको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो गया। सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन। इसके अलावा एक सिचुएशन हो सकती है कि हमने 4000 शेयर इशू करें और हो सकता है आम पब्लिक से 4000 की ही एप्लीकेशन आए, इसको कहा जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत रेयर होती है, ऐसा संभव ही नहीं है मार्केट में जितने हम इशू करें उतने ही आए। हाँ, केवल एक सिचुएशन हो सकती है, अगर हम पहले से आइडेंटिफाइड जो ग्रुप होते हैं केवल उनको बातचीत करके शेयर इशू करते हैं तब ये संभव है। आम पब्लिक को हम सब्सक्रिप्शन करेंगे, पब्लिक सब्सक्रिप्शन अगर करेंगे तो ये संभव नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं या जितना हम इशू करते हैं उससे भी कम आती हैं, ये भी संभव हो सकता है। हमने 4000 के लिए लोगों को इनवाइट किया, मतलब हमने 4000 शेयर के लिए इशू किए, लेकिन आम पब्लिक से हो सकता है 3000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आए, यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये लो हो जाए, और इस सिचुएशन को अंडर सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स देयर विल बी 3 सिचुएशंस, देयर मे बी फर्स्ट सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। सो एट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो एक समस्या होती है कंपनी के सामने कि कंपनी तो ने तो इशू किए 4000, इसका मतलब हम 4000 शेयर ही लोगों को बेचना चाहते थे लेकिन लोगों ने मांग लिए 10000। अब हमारे सामने समस्या है कि हम किसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें और किसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें। तो इसमें 3 सिचुएशन हमारे सामने बन सकती हैं, हम 3 तरीके से अलॉट कर सकते हैं इन शेयर्स को। पहला, फुल अलॉटमेंट टू सम, कुछ लोगों को हम फुल अलॉट कर दें। जैसे मान लो 10000 एप्लीकेशन आई, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 10000 हमारे पास एप्लीकेशन आई, इस 10000 में से हम एक सिचुएशन ये बना सकते हैं, पहला केस ये बना सकते हैं कि इस 10000 में से हम 4000 को 4000 दे दें, फुल कर दें, और बाकी जो बचे, बाकी बचे 6000, उनकी एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर दें। तो जिनको हम फुल अलॉट कर देंगे उनका पैसा हम यूज करेंगे और जो 6000 की एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करेंगे इनका पैसा हम वापस करेंगे, यानी कि रिफंड करेंगे। ये एक केस हो सकता है। एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, इसको प्रोराटा भी कहा जाता है। जब प्रोराटा या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया जाए सभी एप्लीकेंट्स को, यानी कि कंपनी कहती है कि भी किसी के साथ हम इनजस्टिस नहीं करें, जिन लोगों ने मांगे हैं हम सभी के साथ समान व्यवहार करें, लोगों ने 10000 शेयर की एप्लीकेशन भेजी है तो हम 4000 शेयर इनको बांट देंगे आपस में, एक निश्चित अनुपात में बांट देंगे। तो इसका अनुपात बन जाएगा, रेशो बन जाएगा, हम क्या करेंगे कि जिन्होंने ये जो 4000 शेयर हमें बेचने हैं ये हम किनको देंगे, ये हम 10000 शेयर्स में बांट देंगे, 10000 एप्लीकेशन में बांट देंगे। कहने का मतलब हुआ कि एक रेशो निकालेंगे कि जिस पर्सन ने 10 शेयर मांगे उसको हम 4 देंगे, इसका रेशो बन जाएगा, जिसने 10 मांगे उसको हम 4 देंगे, जिसने 5 मांगे उसको हम 2 देंगे, जिसने 20 मांगे उसको हम 8 देंगे। तो इसी तरीके से इस प्रोपोर्शन में देंगे तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सब लोग खुश हो जाएंगे कि ठीक है भाई, कंपनी की मजबूरी थी, हमने मांगे, कंपनी ने हमें दिया जरूर। तो कुछ कुछ कम शेयर कंपनी सबको दे देगी, ये एक न्यायोचित तरीका माना जाता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। थर्ड सिचुएशन बन सकती है कि फुल अलॉटमेंट टू सम, कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट कर दें, पूरा शेयर दे दें। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट टू सम, कुछ को हम प्रोपोर्शनेट दे दें,
एंड रिजेक्ट अदर्स एप्लीकेशंस, और बाकियों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें। जैसे मान लो हमारे पास 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, तो तीसरी सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि इन 10,000 में से जो टोटल 10,000 है इसका हम हिसाब बताते हैं, इनको हमें 4,000 देने हैं, 4,000। तो हमने एक हिसाब बनाया कि भी जिन्होंने हमसे 2,000 मांगे, 2,000, उनको हम 2,000 दे देते हैं। अब ये अलग सिस्टम होता है, उस पर हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका क्राइटेरिया तय किया जाता है, कई कारण होते हैं कि किसने कितने शेयर मांगे हैं, कितना बड़ा लॉट मांगा है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो जिनको जिन्होंने 2,000 मांगे उनको हम 2,000 दे देते हैं। फिर एक कैटेगरी हमने ढूंढी कि इन लोगों ने 4,000 मांगे, इनको हम 2,000 दे देते हैं। ऐसा करके हमने 4,000 शेयर अपने अलॉट कर दिए। कितने लोगों को अलॉट कर दिए, कितने शेयर के अप्लायर्स को, कितने शेयर के एप्लीकेंट को अलॉट कर दिए, ये हमने 6,000 के जो एप्लीकेंट थे उनको दे दिए। अब 10 में से 2 वालों को 2 दे दिए, 10 में से 4 वालों को फिर 2 दे दिए। इस तरह हमारे सारे शेयर अलॉट हो गए जो 4,000 अलॉट होने थे। हमारे पास अब एप्लीकेशन बच गई कितने की, 2 और 4 6 हो गए, 4,000 की एप्लीकेशन बच गई 3,000 की। इनको हमने लेटर्स ऑफ रिग्रेट भेज दिए, खेद पत्र भेज दिया कि भी सॉरी हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाए हैं। तो जब नहीं कर पाए हैं तो इनका पैसा हमको रिफंड करना होगा, यानी कि इनका पैसा हमको वापस करना होगा। तो ये 3 सिचुएशन बन सकती हैं। अब इनकी एंट्री कैसे होती है, मैं यहीं पे इनका एक यूटिलाइजेशन पैसे का बताने की कोशिश करता हूं, फिर एंट्री में भी हम डिस्कस करेंगे। 2,000 वालों को हमने 2,000 दे दिए। इन 2,000 वालों ने जितना एप्लीकेशन पे पैसा भेजा होगा उनका एप्लीकेशन मनी हम पूरा का पूरा यूज कर लेंगे, क्योंकि पूरे शेयर उनको दे दिए। जिन्होंने 4,000 की एप्लीकेशन भेजी थी उनको हमने 2,000 दिए। तो जिन्होंने 4,000 की एप्लीकेशन भेजी थी उन्होंने एप्लीकेशन मनी 4,000 शेयर का दिया, लेकिन हमने इनको 2,000 शेयर दिए। तो हम कहेंगे कि भी तुम्हारा तो डबल पैसा आ गया। तो एप्लीकेशन पे इन्होंने जो पैसा दिया 4,000 शेयर का, हम कहेंगे कि इस 4,000 में से 2,000 आपको हमने दे दिए, तो जो 2,000 शेयर का पैसा है वो तो हम कैपिटल पे ट्रांसफर कर देंगे सीधा। बाकी इनका जो एक्सेस मनी बच जाएगा, जो एक्सेस 2,000 शेयर है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आपका एडवांस पैसा आ गया है। और अगर हमको इनसे अभी अलॉटमेंट मंगानी है, फर्स्ट कॉल मंगाना है, तो हम इनको बोल सकते हैं कि आपका जो एडवांस पैसा आ गया है इसको ऐसा करो, हम कंपनी के पास ही रखे रहने देते हैं, और जब आपसे हम अलॉटमेंट मंगाएंगे तो आप अलॉटमेंट में मत देना, हम इसी पैसे में से एडजस्ट कर लेंगे। अगर फिर भी पैसा बच जाएगा आपका तो हम आपके कॉल्स पे एडजस्ट कर लेंगे, उसको हम कॉल्स एंड एडवांस आज से ही लिख देते हैं, कॉल्स एंड एडवांस, यानी कि हम ये मान लेते हैं एडवांस में कॉल आ गई। हाँ, मान लो उसके बाद भी आपका पैसा बच रहा है तो उसको हम रिफंड कर देंगे। तो ये तरीका होता है। इसके बाद रह गया जिन 4,000 को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, उनका पूरा का पूरा पैसा हमको वापस ही करना पड़ेगा। ये और क्लियर हो जाएगा अभी हम जब इनकी एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंट्री डिस्कस करते हैं, पहला अल्टरनेटिव। जब हम पहले वाला अल्टरनेटिव अपनाएं, पहले वाला अल्टरनेटिव क्या था, पहले वाला अल्टरनेटिव हमारा था कि हम जो 10,000 एप्लीकेशन आई उनमें से हमने 4,000 को तो 4,000 दे दिया और 6,000 वालों का रिजेक्ट कर दिया, इनको कुछ नहीं दिया, निल दिया। तो इस केस में क्या करेंगे, जब पैसा आएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जैसे मान लो 10,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई, तो 10,000 एप्लीकेशन पे मान लो एप्लीकेशन मनी हमने मंगाया था 2 रुपए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 20,000 रुपए, तो 20,000 से हो जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन 20,000। इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। अब हम सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये भी ध्यान रखें, ये जो सेकेंड एंट्री होती है ये उस दिन होती है जिस दिन हम अलॉट करने का डिसीजन लेते हैं, यानी कि जब हम तय कर लेते हैं किसको शेयर देना है और किसका पैसा वापस करना है। तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी कितना था हमारे पास, 20,000। इस शेयर एप्लीकेशन मनी को डेबिट करेंगे और ये जो एप्लीकेशन अकाउंट हमने खोला था, ओपन किया था एप्लीकेशन आने पे, इसको आज हम क्लोज कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, टू शेयर कैपिटल में जाएगा उतना पैसा जिनको हमने शेयर दिए। तो हमने 4,000 शेयर देने थे, वही 4,000 हमने दिए। 4,000 पर 2 रुपए जो आया था उनका, उसको हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में। बाकियों को क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं, तो जो बाकी 6,000 हैं उनका 2 रुपए के रेट से हम 12,000 रुपया वापस कर देंगे, यानी कि रिफंड कर देंगे। जब रिफंड करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये हो गई एंट्री।
बाकी एंट्री आगे होंगी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, तो लेकिन ये पहली एंट्री में हम खाली ये बता रहे हैं कि एक्सेस जो होता है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, एक्सेस मनी को। तो यहाँ पे क्योंकि हमने शेयर दिए ही नहीं तो उनका जो एक्सेस पैसा था वो हमें वापस लौटाना ही पड़ता, हर हाल में वापस लौटा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट केस में क्या एंट्री हो सकती है, सेकेंड अल्टरनेटिव। सेकेंड अल्टरनेटिव हमने बताया था कि जब हम सभी को दें और प्रोपोर्शनेट दें, यानी कि जिन्होंने 10,000 मांगे थे उन सबको हम एक रेशो निकाल करके 4,000 शेयर दे दें, किसी का हम एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी का जब रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट जितना एप्लीकेशन पे आया। तो एप्लीकेशन पे तो कितना आया, एप्लीकेशन पे तो 10,000 शेयर की एप्लीकेशन है, 2 रुपए के रेट से वही 20,000 आया, तो एंट्री हो गई 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000। नेक्स्ट देखेंगे शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अब शेयर एप्लीकेशन डेबिट ये 20,000 था, इसको हम आगे ले आएंगे। इसके बाद देखेंगे टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल तो देखो उतने ही शेयर की बनेगी जितने हमने इशू किए थे, 4,000 इशू किए थे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए हमने, अगर ये ज़ूम कर रखा है हमने 2 रुपए मंगाए एप्लीकेशन पे, तो 8,000 रुपए से तो कैपिटल बन जाएगी। अब बात आती है कि जो एक्सेस कितना बच गया, तो हमें पता है कि एप्लीकेशन हमारे पास 10,000 आई थी, हमने 4,000 शेयर ही अलॉट किए, तो बाकी 6,000 शेयर का हमारे पास पैसा बच गया। जो 6,000 शेयर का हमारे पास पैसा बच गया है 2 रुपए के रेट से, वो बनता है 12,000। अब हमको ये पता है कि हमने इस बार किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट तो की नहीं, हमने तो सबको दिए, हमने ये रेशो बना दिया था जिसने 10 मांगे उसको हमने 4 दिए, ये एक रेशो हमने बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि जिसने 10 मांगे थे उसको हमने 4 दिए, इसी का 6 शेयर का पैसा हमारे पास बचा हुआ है, और जो सारे शेयर होल्डर हैं 6,000 उनका 12,000 हमारे पास बचा हुआ है। इस 12,000 को बोलते हैं एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आधिक्य की राशि, तो ये एक्सेस है। अब हमें पता है कि ये हमारे शेयर होल्डर तो बन गए, ये शेयर होल्डर तो बन गए, तो हमको ये हम इनको ये कह सकते हैं कि देखो आपको जो शेयर मिले हैं अब आपसे हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे, कुछ पैसा कॉल्स एंड एडवांस पे मंगाएंगे, जब मंगाएंगे तब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि इसको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट करना है अलॉटमेंट पे कॉल एडवांस पे करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट मना किया है कि कहीं भी एडजस्ट नहीं करना है तो कहीं भी नहीं करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं कहा गया है कि एडजस्ट करना है या नहीं करना है, तो जनरल रूल ये तो ये होता है कि अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट कर लेते हैं, जो अलॉटमेंट पे पैसा आएगा उसका पैसा एडवांस काट लेते हैं इसमें से और बाकी पैसे को रिफंड कर देते हैं। खैर, हम लेके चलते हैं ये मान के कि एडजस्टमेंट वो लास्ट तक करने को तैयार हैं, तो उसमें सारी एंट्री कवर हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पे कितना इसमें से रख सकते हैं, एक्सेस मनी था 12,000। अब 12,000 एक्सेस था, तो इन्होंने कहा शेयर होल्डर से कि देखो आपने 4,000 शेयर लिए थे, एप्लीकेशन के 2 रुपया तो हमने एडजस्ट कर दिए एप्लीकेशन के समय पर, अब आपसे हम अलॉटमेंट मंगाते। मान लो अलॉटमेंट इनको मंगानी थी 3 रुपए पर शेयर, तो हम कहेंगे कि इनको कि आपके पास 4,000 शेयर थे तो 3 पर 12,000 रुपए तो आपको अलॉटमेंट ही देना है, तो क्योंकि इनको 12,000 अलॉटमेंट देना है और इनका जो एक्सेस मनी है वो भी कितना है हमारे पास 12,000 है, तो इसलिए इनका जो एक्सेस मनी है वो हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया, अब इनको अलॉटमेंट पे पैसा देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो ये बाय चांस पूरा हो गया। अगर मान लो अलॉटमेंट पे 2 ही रुपए मंगाने होते तो हम यहाँ अलॉटमेंट पे केवल 8,000 रुपए एडजस्ट कर पाते, अगर अलॉटमेंट मनी 2 रुपए होता तो अलॉटमेंट पे हम केवल 8,000 रुपए एडजस्ट कर पाते और 4,000 और बच जाता। अब जो 4,000 और बच जाता उसको हम फिर कॉल्स पे ले जा सकते थे, हम उनसे कहते कि देखो एप्लीकेशन के 2 रुपए आपने दे दिए, अलॉटमेंट के भी 2 रुपए दे दिए, अभी तक आपने 4 रुपए दिए, अब बच गए 6 रुपए, ये हम कॉल्स पे मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, थर्ड कॉल पे, जितनी भी कॉल बनाएंगे हम, तो उन कॉल पे हम 6 रुपए मंगाएंगे। अब 4,000 पे हम 6 रुपए मंगाएंगे, 4,000 शेयर तो हमने दिए ही है उनको, तो 4 पे हम 6 यानी कि 24,000 रुपए मंगाने हैं, और एडवांस उनके पास हमारे पास कंपनी के पास उनका कितना बच रहा है, 12,000 में से 8,000 तो अलॉटमेंट पे यूज हुआ तो केवल 4,000 ही बच रहा है, तो कॉल्स एंड एडवांस पे तो 24,000 आना ही है हमें पता है कॉल्स पे, तो आज हम 4,000 रुपये पूरा का पूरा एडवांस पे रख सकते हैं। और इस केस में अब जो एक्सेस पैसा इसके बाद भी बच जाएगा वो हमको हर हाल में रिफंड करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, जो एक्सेस पैसा अभी भी बच जाएगा। जैसे 24 में से मान लो कि 4,000 यहाँ यूज कर लिया, उसके बाद भी अगर बच जाता है, नहीं 24 नहीं था,
इनका पैसा था एक्सेस 12,000, 12 में से हमने 8 यूज किया था, ये मैं 24 टोटल था उसको काउंट कर लिए, 24 तो हमको मंगाना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो एक्सेस मनी था वो हमारे पास 12,000 था, 12 में से 8 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, और उसके बाद 4 बचा था, वो 4 हमने कॉल से एडवांस पे एडजस्ट कर लिया, तो रिफंड के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अगर मान लो ऐसा केस होता कि और भी पैसा इनका बचा होता इसके बाद भी, तो फिर उसको रिफंड कर दिया जाता है, ये रूल है। आगे बढ़ते हैं, इस केस में था ही नहीं रिफंड, इसमें तो और भी अभी 20,000 एडजस्ट हो सकता था क्योंकि 24,000 चाहिए एडवांस में। तो इसी तरीके से एंट्रीज कर सकते हैं इस केस में। तीसरा अल्टरनेटिव की बात करते हैं। तीसरा अल्टरनेटिव है कि जब हम इन लोगों को तीसरा अल्टरनेटिव अपनाएं, तीसरा हमने बताया था कि 10,000 जिन्होंने मांगे हमने उनको इस तरीके से दिए कि जिन्होंने 2 मांगे उनको हमने 2,000 दे दिए, जिन्होंने 4,000 मांगे उनको हमने 2,000 दे दिए, और बाकी जो बच गए 4,000 उनको हमने कुछ नहीं दिया यानी कि निल दिया, ये हजार में लिख रहा हूं मैं अमाउंट। अब तीसरे अल्टरनेटिव पे कैसे एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो उतना ही, यानी कि 10,000 पे 2 रुपए के रेट से 20,000 रुपये आना है एप्लीकेशन, तो वही आना है क्योंकि सभी लोग देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन पे हम लिख देंगे 20,000। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन में लिख देंगे 20,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में चला जाएगा वही 4,000 शेयर पे 2 रुपए के रेट से, ये चला जाएगा 8,000। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे कितना भेज सकते हैं, अब ये यहां देखने से पता चलेगा। इसमें ध्यान से देखें कि देखो जिनका पैसा है वो उन्हीं के काम आएगा, जिनका एक्सेस बचेगा, तो इनका तो कोई एक्सेस बचा ही नहीं, इन्होंने 2,000 मांगे थे, 2,000 इनको मिल गए, इनकी कहानी खत्म। हाँ, इनका बचेगा कितना बचेगा, इन्होंने 4,000 मांगे थे हमने इनको 2,000 दिए, इसका हिसाब यहाँ पे नीचे कर लिया जाता है। 4,000 इन्होंने मांगे तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए का रेट था, तो टोटल आज 8,000 इन्होंने जमा किए होंगे। हमने कहा कि आपको 2,000 शेयर दिए, तो हमने 2,000 पर 2 रुपए के रेट से 4,000 इनका कैपिटल बना, वो हमने एप्लीकेशन पे कैपिटल में भेज दिया। अब इनका एक्सेस बच गया 4,000, वो हम इनके अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हैं। तो हमने इनको कहा कि तुम्हारा 4,000 बच गया है, उसको हम अलॉटमेंट पे यूज कर लेते हैं, तो इनका 4,000 हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। अब इसके बाद और कुछ तो इनका बचा ही नहीं, इनका यही 4,000 बच रहा था, ये हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया, तो कॉल सेल एडवांस पे तो मामला पहुंचा ही नहीं। अब आ जाती है इनकी बारी, जिनको हमने कुछ नहीं दिया, ये थे 4,000, तो 4,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे उनको हमने कुछ नहीं दिया, तो इनका पैसा हर हाल में वापस ही करना पड़ेगा। तो 4,000 पर 2 रुपए के रेट से 8,000 उन्होंने दिया होगा, वो 8,000 रुपये हम टू बैंक अकाउंट कर देंगे, तो ये रिफंड हो जाएगा। इस तरीके से ये एंट्रीज हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन होती है जब हमने तो शेयर इशू किए मान लो 4,000 और लोगों ने हमसे मांगे केवल 3,000, तो 3,000 मांगे, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब यहां पे एक कंडीशन होती है हालांकि कि अंडर सब्सक्रिप्शन की एक लिमिट होती है कि एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कंपनीज एक्ट कहता है कि कम से कम एक न्यूनतम राशि तो मिल ही जानी चाहिए जब हम शेयर इशू करते हैं, अगर उससे भी कम एप्लीकेशन आती हैं तो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी, और जो मनी आया है कंपनी के पास वो रिटर्न कर देना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जैसे मान लो कोई कंपनी जब इशू करती है शेयर, 4,000 शेयर इशू किए मान लो इन्होंने, एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए, फुल प्राइस की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट बन रहा था वो 40,000 रुपए का था। अब अगर मान लो इनके पास केवल आधे ही शेयर आते तो इनके पास केवल 20,000 रुपए आते, तो 20,000 रुपए में क्या ये बिजनेस कर पाएंगे? 20,000 में नहीं कर पाएंगे, तो 20,000 में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब जिन लोगों ने 20,000 दे रहे दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कम बजट होने की वजह से इनका प्रोजेक्ट फेल हो जाए और इन बेचारों को पैसा डूब जाए जिन्होंने शेयर खरीद लिए थे। तो इसलिए एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कम राशि आती है कंपनी के पास, तो कंपनी को अपना जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल करना चाहिए, और जो पैसे जिनके आ गए हैं, कम जो पैसे आए हैं, उनको वो उनके पैसे एज इट इज वापस कर देने चाहिए। अब कंपनीज एक्ट में क्या है कि ये तो कहा गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट में ये नहीं बताया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट क्या होगी, कम से कम कितना आना चाहिए, तो इसको क्लियर किया सेबी ने, सेबी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो कि रेगुलेटर है शेयर मार्केट का। इसने कहा कि एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, यानी कि इन तीन ये जो 4,000 इशू किए, कम से कम इनकी 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो अगर 90% कितनी हो गई, इनकी हो गई 3,600,
तो कम से कम 3600 एप्लीकेशन तो आनी चाहिए थी इतने शेयर्स की तो, लेकिन इतने की भी नहीं आई, 3000 की आई, तो ये तो इशू ही कैंसल हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, मान लो 3600 आ जाती हैं या 3700 आ जाती हैं, 3800 आ जाती हैं, तो कोई केस में प्रॉब्लम नहीं है, 90% से ऊपर आ गई हैं और इनकी एंट्री एकदम नॉर्मल तरीके से होगी जैसे फुल सब्सक्रिप्शन की होती है। हाँ, उसमें यह रहेगा कि जैसे मान लो अगर एप्लीकेशन ही आई हमारे पास 3600 की, तो 90% की लिमिट पूरी हो गई, यानी कि कंपनी अपने इशू को आगे बढ़ाएगी, मतलब अलॉट करेगी, लोगों को शेयर मिलेंगे, लोग पैसा देंगे। हाँ, जितनी भी एंट्री होंगी वो 3600 से होंगी, बस 4000 से कुछ नहीं होगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगा 2 रुपए से, वो भी 3600 पे आएगा, 7200 रुपीज का। आगे जो एंट्रीज होंगी अलॉटमेंट पे मंगाएंगे, वो भी 3600 पे ही मंगाएंगे, इतने पे ही आएगा। फर्स्ट कॉल भी इतने पे ही मंगाएंगे, इतने पे ही आएगा। तो ये सिंपल केस हो जाता है। आगे बात करते हैं कि जब शेयर इशू होते हैं, कोई कंपनी शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू हो सकते हैं एट पार पे हो सकते हैं, एट प्रीमियम पे हो सकते हैं, और एट डिस्काउंट पे हो सकते हैं। अब नया जो कंपनीज एक्ट है वो अलाउ नहीं करता है कि कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं गया है, ये कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, आने वाले किसी एक्ट में कुछ चेंज हो जाए, अन्य देशों में होते होंगे तो हमको जानकारी होनी चाहिए, पहले होते थे, आज की डेट में नहीं होते हैं डिस्काउंट पे इशू। डिस्काउंट का मतलब है कि 10 रुपए का शेयर कंपनी 8 रुपए में इशू कर दे, तो अभी ओरिजिनली ये इशू नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे स्वैट इक्विटी शेयर हो गए या रीइशू हो गया, उन केसेस में ये संभव है। बाकी जनरली कोई कंपनी दो तरीके से शेयर इशू कर सकती है, एट पार पे, यानी कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच लो, और दूसरा केस होता है एट प्रीमियम पे, यानी कि 10 रुपए का शेयर आप 12 रुपए में बेच लो, आप 20 रुपए में बेच लो, आप 50 रुपए में बेच लो, कितने रुपए में भी आप बेच सकते हैं, जैसी आपकी कंपनी की इमेज है, गुडविल है, अगर लोग पैसा देने को तैयार है तो आप फालतू में बेच सकते हो, ये प्रीमियम पे इशू कहलाता है। जब प्रीमियम पे इशू होता है तो एंट्री कैसे करते हैं? जब प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं शेयर, तो जो प्रीमियम का पैसा आता है उसको अलग से एक अकाउंट में रखा जाता है, और उस अकाउंट को कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं, दरअसल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा चला जाता है। तो अगर 10 रुपए का शेयर, मान लो 10 रुपए का शेयर अगर हमने 12 रुपए में इशू किया, तो 10 रुपए तो शेयर कैपिटल बनेगी और 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बन जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिखाया जाता है जैसे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल हेडिंग में दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है ये एक रिजर्व होता है और ये कैपिटल रिजर्व होता है, ध्यान रखें, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पे, प्रीमियम का पे जो पैसा मिल रहा है ये कैपिटल गेन है कंपनी के लिए, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाता है। ये दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस नाम की एक हेडिंग होती है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटी पार्ट और दूसरा एसेट पार्ट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में आता है और हेडिंग का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर कंपनी के पास आ जाता है, तो क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व है, पूंजीगत संचय है, तो इसका जो यूज है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो इन कामों में ही खर्च हो सकता है, बाकी कामों में खर्च नहीं हो सकता, ये कंपनीज एक्ट में कहा गया है। तो कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि आप ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है इसको कहाँ कहाँ इशू कर सकते हैं, सॉरी यूज कर सकते हैं। तो इसको रिजर्व के पैसे को यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे को, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, आप इनसे फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अब ये फुल्ली पेड बोनस शेयर क्या रहते हैं? फुल्ली पेड बोनस शेयर रहते हैं कि जब किसी कंपनी के पास अतिरिक्त रिजर्व बन जाए, सफिशियंट रिजर्व बन जाए, और कंपनी को लगे कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम मुफ्त में कुछ शेयर दे देते हैं, तो मुफ्त में शेयर देना ही होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर। ये पूरी तरह से मुफ्त में दिए जाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं, बैलेंस शीट का एक हेडिंग लेकर के केवल यहां पे, जैसे मान लो बैलेंस शीट में लिखा है, लायबिलिटी साइड का मैं डिस्कशन कर रहा हूं केवल, कंपनी की शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल लिखी हुई है यहां पे जितने भी है, और रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है यहां पे,
और रिजर्वेशन सरप्लस में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और इसमें 5 लाख रुपीज रखे हुए हैं। अब कंपनी ने कहा कि सफिशियंट रिजर्व करना क्या है, इसमें से 3 लाख रुपए के हम शेयर इशू कर देते हैं बोनस शेयर। तो बोनस शेयर का मतलब हुआ कि जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनको हम एक अनुपात में शेयर दे देते हैं। ये अनुपात तय कर लिया जाता है इस तरीके से कि मान लो कंपनी ने एक तय कर लिया कि जिस पर्सन के पास 10 शेयर हैं उसको हम मुफ्त में 2 बोनस शेयर दे रहे हैं, 2 बोनस शेयर। तो ये कैलकुलेशन है सिंपल, इसका कुछ देखना नहीं, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं, खाली कॉन्सेप्ट समझना है। तो जिन पे 10 शेयर है उनको हम 2 बोनस शेयर दे रहे हैं और मुफ्त में दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 5 लाख रुपए के हम शेयर इशू कर देंगे इन लोगों को। और होगा क्या, ना तो कैश आएगा ना तो कैश जाएगा, खाली ये एक बुक एंट्री होगी। और बुक एंट्री होने से ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 लाख यहाँ पे दिख रहा था, इसकी हम एंट्री कर देंगे, एक इसकी एंट्री कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट। ऐसा करने से रिजर्व कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रिजर्व क्रेडिट रहता है, और इधर एंट्री कर देंगे टू शेयर कैपिटल। तो बस ये बुक एंट्री हुई, ना कैश आया ना गया, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व का कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण करना। ऐसा करने से जो अब तक हमारी बैलेंस शीट में जो 5 लाख रिजर्व दिख रहा था वो यहां नहीं दिख करके यहां बैलेंस शीट के कैपिटल में बढ़ जाएगा, 5 लाख की कैपिटल। ये हमने रिजर्व का कर दिया कैपिटलाइजेशन, बस और कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ना कैसा आया ना गया। और जो इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड है वो उतनी नहीं जितनी थी, क्योंकि एक आइटम इसी साइड का कम हुआ दूसरा बढ़ गया। तो बोनस शेयर तो इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करने में यूज किया जा सकता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कंपनी जब स्टार्ट की गई थी उस समय के खर्चे, उनको राइट ऑफ करने में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम खर्च कर सकते हैं प्रीमियम के पैसे को, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। यानी कि हम कोई शेयर इशू करें या हम कोई डिबेंचर इशू करें, इनके इशू करने पे अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, खैर शेयर पे तो दे नहीं सकते आज की डेट में, अगर इन पे हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको राइट ऑफ इनसे किया जा सकता है। इसके बाद, टू पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का जब रिडेम्पशन करती है या डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करती है, तो कंपनी ऐसा हो सकता है कि अपने जो होल्डर्स हैं शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर, कंपनी उनको कह दे कि हम आपको जब रिटर्न करेंगे यानी कि रिडीम करेंगे जब आपके हम प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स को, तो आपके 10 रुपए के शेयर के या डिबेंचर के बदले में हम आपको 12 रुपए देंगे। तो जब इस तरीके से हम जैसे इशू करते टाइम हम ज्यादा रुपए लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रीमियम, ऐसे ही अगर हम 10 रुपए पे किसी को 12 रुपए रिटर्न करेंगे तो इसको भी हम प्रीमियम बोलते हैं, लेकिन ये जो प्रीमियम होता है इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो इस और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आता है कंपनी के पास, वो कंपनी का फायदा है, लेकिन कंपनी जब प्रीमियम देती है लोगों को, ज्यादा पैसे देती है रिटर्न करते समय, तो ये कंपनी के लिए लॉस होता है, कैपिटल लॉस। तो इस कैपिटल लॉस को भी इस कैपिटल गेन से राइट ऑफ किया जा सकता है, उसमें यूज हो सकता है। और इसके अलावा यूज हो सकता है परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, एक कंपनी जब अपने स्वयं के शेयर खरीद ले। सामान्यतः कोई कंपनी अपने शेयर खरीदती नहीं है, एक विशेष सिचुएशन होती है जिसको बाई बैक ऑफ शेयर कहा जाता है, शेयर्स का बाई बैक करना। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है अब आगे, प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विद अलॉटमेंट मनी, प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट मनी के साथ कॉल करना। अब प्रीमियम का जो पैसा है, जैसे 10 रुपए का शेयर मान लो हम 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हम 2 रुपए मंगा रहे हैं प्रीमियम। अब ये जो 2 रुपए हम प्रीमियम मंगा रहे हैं, ये हम कब कब मंगा सकते हैं, ये हम चाहे तो एप्लीकेशन पे मंगा लें, चाहे अलॉटमेंट पे मंगा लें, चाहे कॉल पे मंगा लें, लेकिन सामान्यतः अलॉटमेंट के समय मंगाया जाता है, इसलिए जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया हो तो अलॉटमेंट के समय इसको मंगा जाता है प्रीमियम की राशि को। जब इसको अलॉटमेंट के समय अगर मंगाया जाए तो एंट्री कैसे होगी, तो जब हम एंट्री ड्यू करने की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट मांगती है जब कंपनी अपने होल्डर से, तो एंट्री करती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना रुपया कैपिटल का मांग रहे हैं और जितना रुपया प्रीमियम का मांग रहे हैं। मान लो कंपनी अलॉटमेंट पे 5 रुपए तो कैपिटल के मांग रही है अपनी किस्त के, और फिर कह रही है 2 रुपए प्रीमियम वाला भी हम अलॉटमेंट पे ही मांग रहे हैं, तो कुल मिलाकर के शेयर अलॉटमेंट पे कंपनी 7 रुपए मांगेगी, इसमें से 5 रुपए कैपिटल के मांग रही है, 2 रुपए प्रीमियम के मांग रही है, और कैपिटल भी कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाती है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है शेयर कैपिटल बनने के बाद। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये एक रिजर्व होता है कंपनी का, और जो रिजर्व होते हैं वो भी लायबिलिटी होते हैं,
रिजर्व क्यों लायबिलिटी होते हैं, कभी किसी को कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि रिजर्व लायबिलिटी क्यों होते हैं। देखिए रिजर्व होते क्या है, रिजर्व होते हैं कंपनी के द्वारा बचाया गया पैसा। अब कंपनी के द्वारा कोई पैसा अगर बचा लिया जाता है तो ये पैसा मान लो अगर किसी यूज में आ गया तब तो ठीक है, अगर कहीं भी यूज नहीं हुआ तो ये पैसा किसका है, ये मालिकों का है, ओनर्स का है। कंपनी के पास जो रिजर्व रहते हैं उन पे जो लास्ट हक रहता है वो ओनर का रहता है। और हम जानते हैं कि जो ओनर होते हैं वो भी कंपनी के केस में बाहरी व्यक्ति होते हैं। कंपनी का केस क्या, अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाहे सोल ट्रेड है चाहे पार्टनरशिप है, ओनर भी बाहर का आदमी माना जाता है। और ये जो रिजर्व है ये ओनर का पैसा है और इसलिए इस रिजर्व को भी लायबिलिटी ही माना जाता है, इसी कारण से लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है। जब ये पैसा इकट्ठा आ जाएगा 7 रुपया टोटल विद प्रीमियम तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपीज, टू शेयर अलॉटमेंट 7 रुपीज। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल पे भी अगर प्रीमियम मंगाएंगे तो वहीं पे भी यही एंट्री हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं आप इश्यू ऑफ शेयर एंड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे मैंने बताया जनरली शेयर आज की डेट में हो नहीं सकता है इश्यू कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद। इसके अलावा कुछ केसेस होते हैं जैसे रीइश्यू करें फॉरफिटेड शेयर्स का तब हो सकता है डिस्काउंट पे इश्यू, या हम इश्यू करें स्वेट इक्विटी शेयर तब हो सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कंपनी अपने कर्मचारियों को फुल टाइम जो वर्कर होते हैं कंपनी के ऑफिसर्स को और फुल टाइम डायरेक्टर्स को, कंपनी से उनका लगाव बढ़े इस कारण से कंपनी उनको मार्केट प्राइस से कम में शेयर दे सकती है, इसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ये उनके स्वेट के लिए मिल रहे हैं क्योंकि वो पसीना बहाते हैं संस्था के लिए, तो उसकी मेहनत का ये एक तरह से संस्था उनको पुरस्कार देती है कि हम आपको मार्केट से कम पैसे में शेयर दे रहे हैं। और उद्देश्य ये होता है कि जब हम उनको देंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ हम मेहनत करते हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी भी हमारा ख्याल रख रही है। कंपनी का जो शेयर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है कंपनी हमको वो शेयर 70 रुपए में ही दे रही है, तो इनको कंपनी से लगाव बढ़ता है। एक तो ये होता है और दूसरा एक और भी होता है, ऐसा नहीं है कि अब वो बेच सकते हैं तुरंत, इन पे एक लॉक इन पीरियड रहता है कि अगर कंपनी ने कह दिया तो कंपनी कहती है आप 3 साल तक इनको बेच नहीं पाओगे, तो ये एक लॉक इन पीरियड लग जाएगा, तो इसका मतलब कंटिन्यू उनके पास शेयर बने रहेंगे, तो उनका भी एक हित बना रहेगा कंपनी में, उनको लगेगा एम्प्लॉइज को कि हमारे भी शेयर कंपनी में हैं। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अन्य किसी कंसीडरेशन के बदले में शेयर इशू करना। इसका मतलब होता है कि कंपनी कैश के अलावा, जैसे मान लो किसी पर्सन से कंपनी ने कोई मशीन ली या प्लांट लिया, और प्लांट लिया कंपनी ने 10 लाख रुपए का, तो कंपनी ऐसा कर सकती है कि 10 लाख पेमेंट ना करके इनसे कंपनी कह दे कि हम आपको 10 लाख रुपए के शेयर दे देते हैं, तो इस केस को कहा जाता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। शेयर की एंट्री इसमें भी वैसे ही होती है इश्यू करने की, बस एक अंतर आ जाता है कि जैसे हमने प्लांट खरीदा तो प्लांट खरीदने की एंट्री हो जाएगी, जिससे हमने प्लांट खरीदा तो प्लांट डेबिट, आप जानते हैं एसेट बढ़ती है तो एसेट को डेबिट करते हैं, प्लांट डेबिट टू वेंडर, वेंडर कहेंगे उस पार्टी को जिससे हमने प्लांट खरीदा। मान लो प्लांट खरीदा हमने 10 लाख का, तो हमने एंट्री कर दी 10 लाख की एंट्री कर दी वेंडर, जब इस वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को डेबिट कर देंगे 10 लाख के, और शेयर इशू कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल, वेंडर को हमने शेयर इशू कर दिए शेयर कैपिटल की एंट्री कर दी 10 लाख। इस तरीके से ये एंट्री हो सकती है। तो आज का टॉपिक इतना ही,